देखिए अभी उसके बाद दूसरी लाइन दिखा रही हूँ। देखिए छह क्रोशिया बना लिए हैं, बीच में तीन चेन और एक दो तीन चार, चार चेन देने के बाद देखिए यहाँ पर जो सात हाफ क्रोशिया बनाए हैं इसमें अभी पांच हाफ क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार और ये पांच, देखिए पांच हाफ क्रोशिया बना लिए। फिर एक दो तीन चार, चार चेन बनाने के बाद फिर से भी देखिए इन तीन क्रोशिया को छोड़ के इस चेन में देखिए पहले तीन क्रोशिया बना लिए, फिर एक दो तीन, तीन चेन देने के बाद अभी फिर से तीन क्रोशिया इसी चेन में बना रही हूँ। देखिए इस तरह से तीन तीन छह क्रोशिया बना लिए हैं। अभी एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर पहले तीन क्रोशिया, पहले लाइन में तीन क्रोशी, फिर एक तीन चेन, फिर एक क्रोशी, फिर तीन चेन और फिर तीन क्रोशी बनाए हैं। तभी इस चेन में देखिए छः क्रोशी बना लिए हैं। अभी इस चेन में छः क्रोशी बनाना है, छः चेन देने के बाद देखिए एक दो तीन, तो तीन क्रोशी हो गए हैं। अभी धागे एक साथ निकाल रही हूँ, फिर एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद अभी इसी चेन में फिर से तीन क्रोशी बना रही हूँ। देखिए देखिए सब धागे निकाल लिए। अभी फिर से एक दो तीन चार, फिर से चार चेन देने के बाद फिर से इन सात हाफ क्रोशियों में पांच हाफ क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार और ये पांच, देखिए पांच हाफ क्रोशिया बना लिए। फिर एक दो तीन चार, चार चेन देने के बाद अभी देखिए यहाँ पर इस क्रोशिया के इस चेन में ये लाइन हो गया है, तो इस चेन में अभी तरह से स्टिच दिए। फिर देखिए स्टिच देते हुए इस चेन में आ गए हैं। अब फिर से एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से देखिए तीन क्रोशिया बना लिए। फिर एक दो, अभी दो चेन दे रही हूँ, तो देखिए फिर से इसी चेन में तीन क्रोशी बना लिए। देखिए तीन तीन क्रोशी बना लिए, बीच में दो चेन। अभी एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो छः चेन बनाए हैं इस चेन में एक हाफ क्रोशी दिए। अभी फिर से छः चेन बनाना है, देखिए फिर से छः चेन बना लिए। फिर देखिए यहाँ पर जो छः क्रोशियाँ हैं बीच में चेन है, यहाँ पर फिर से छः क्रोशी बनाना है। देखिए तीन क्रोशी बनाए, अभी दो चेन, अभी फिर से इसी जगह में तीन क्रोशी। देखिए तो यहाँ पर हो गए हैं छः क्रोशी। अभी एक दो तीन चार और यह पांच, अभी पांच चेन बना रही हूँ। और पांच चेन बनाने के बाद अभी यहाँ पर पांच क्रोशी हैं, तो यहाँ पर तीन क्रोशी बनाना है। देखिए इस यहाँ पर तीन क्रोशी, देखिए तीन क्रोशी बना लिए। अभी एक दो तीन चार और ये पांच, पांच चेन देने के बाद फिर से यहाँ पर छः क्रोशी। देखिए इन छः क्रोशी को बीच से छः क्रोशी बनाना है। देखिए तीन क्रोशी बना लिए, दो चेन, अभी फिर से तीन क्रोशी इसी चेन में, तो देखिए छः क्रोशी बन गए हैं। अभी एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन देने के बाद इस चेन में फिर से एक हाफ क्रोशी, फिर एक
दो तीन चार पाँच छः, फिर से छः चेन और फिर यहाँ पर छः क्रोशी। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से बनाया उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। और यहाँ पर पांच पांच चेन देके, पांच चेन देके यहाँ पर अभी पांच क्रोशी हाफ क्रोशी में तीन हाफ क्रोशी बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी पांच हाफ क्रोशी में तीन हाफ क्रोशी बनाना है। ये छः क्रोशी बनाने के बाद पांच चेन, फिर तीन हाफ क्रोशी, फिर पांच चेन, फिर ऐसे डिजाइन बनाना है। देखिए अभी दूसरी लाइन दिखा रही हूँ। देखिए इस छः क्रोशी के बीच से छः क्रोशी बना लिए हैं और फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाने के बाद देखिए इस चेन में, पहले चेन में यहाँ पर जो दो चेन बनाए पहले चेन में एक हाफ क्रोशी दिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, अभी फिर दूसरे चेन में एक हाफ क्रोशी दिए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से छः चेन देने के बाद यहाँ पर फिर से छः क्रोशी बनाना है। पहले तीन क्रोशी बनाए, एक साथ धागे निकाले, फिर दो चेन, अभी फिर से इसी चेन में तीन क्रोशी फिर से बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर छह क्रोशी बन गए हैं। फिर देखिए क्रोशी में चार बार धागे लिए घुमा के, और यहाँ पर जो तीन हाफ क्रोशी दिए हैं इन तीन हाफ क्रोशी के बीच से धागे को निकाल के इस तरह से दो दो धागे निकालना है। देखिए इस तरह से, फिर अभी यहाँ पर जो छः क्रोशी हैं इसके बीच से फिर से छः क्रोशी बनाना है। देखिए तीन क्रोशी बनाने के बाद एक साथ इस तरह से धागे निकाले, फिर तीन चेन, दो चेन और फिर से तीन क्रोशी इसी चेन में। देखिए इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन देने के बाद देखिए यहाँ पर जो दो चेन दिए हैं इसके बीच पहले चेन में एक हाफ क्रोशी, फिर छः चेन, फिर दूसरे चेन में एक हाफ क्रोशी, फिर छः चेन, फिर से एक बार ये डिजाइन दिखा रही हूँ। देखिए पहले छः क्रोशी में छः क्रोशी, तीन क्रोशी बनाने के बाद दो चेन, फिर इसी जगह में तीन क्रोशी, फिर देखिए चार बार धागे लिए क्रोशी में और यहाँ पर जो तीन हाफ क्रोशी हैं उसके बीच से इस तरह से दो दो धागे निकालते जाना है। फिर यहाँ तीन क्रोशी के बीच से फिर से छः क्रोशी के बीच से फिर से छः क्रोशी देना है। तीन क्रोशी बनाने के बाद दो चेन और फिर से तीन क्रोशी, देखिए इसी तरह से ये लाइन पूरा करना है।